सनमति सागर मोबाइल सभी कंपनी के मोबाइलों के थोक एवं फुटकर विक्रेता 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। आधार कार्ड लाएं और मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है हीरो शोरूम के पास विश्व भारती रोड भगवानगंज सागर। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में उपचुनाव है। ऐसे में कांग्रेस ने सभी जगह अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। अगर लोकसभा खंडवा को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस में कोई भीतर घात होता नहीं दिख रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में हर सीट पर तलवारें खींची हैं, हर सीट पर बगावत के सुर तेज हैं। सरकार भाजपा की है, इस वजह से बगावत सड़कों पर नहीं दिख रही है, लेकिन भाजपा मुसीबत में जरूर है। खंडवा लोकसभा के साथ रेगांव और जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा में अगर हम आज सिर्फ पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री बिजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र राठौर का टिकट हो चुका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पाले में 1 दर्जन प्रत्याशी दावेदारों ने हुंकार भरी है, जो दिल्ली और भोपाल एक कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए डॉक्टर शिशुपाल यादव का नाम जोरों पर है। वजह है कि सीट पर यादव वोट का दबदबा है। जो दिवंगत सुनील नायक की पत्नी है, उनके अलावा उनके देवर, उनके अलावा उनके चचेरे भाई गणेशी लाल नायक भी टिकट के लिए जोर आजमाइश करते दिख रहे हैं। अनिल पांडे जो इस विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं, साथ ही रोशनी यादव का भी यहां दबदबा कायम है, वो भी टिकट की दौड़ में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उलझने बढ़ गई है। यहाँ कांग्रेस से लोकप्रिय चेहरा स्वर्गीय बिजेंद्र सिंह राठौर रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। उनके बेटे को कांग्रेस के पाले से टिकट मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में 1 दर्जन दावेदार भोपाल में बैठे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लिए सिर दर्द बने हैं। कहा जा रहा है कि पृथ्वीपुर विधानसभा में भीतर घात की पूरी संभावना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की पाले से। सियासत के भी गजब अंदाज है। कभी कांग्रेस के अंदर खाने में बगावत रहती थी, लेकिन आजकल यही हाल भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के साथ इस सीट में सहानुभूति जुड़ी है। वजह कि सीट से विधायक और मंत्री रहे बिजेंद्र सिंह राठौर कोरोना काल में काल के काल में चले गए थे। उनकी मौत के बाद यह सीट खाली हुई है, जिस पर घमासान होना बाकी है। लेकिन फिलहाल पृथ्वीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा रोड़ा है। यहाँ इस सीट पर फतह पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। वजह है कि 1 दर्जन दावेदार अलग अलग क्षेत्रों में जो दबदबा रखते हैं, वो ही टिकट मांग रहे हैं। सभी को इस सीट से विधायक बनना है, तो अब भारतीय जनता पार्टी जाने कि वो किसको अपना उम्मीदवार बनाती है, और उम्मीदवार बनाने के बाद वहाँ क्या हालात होते हैं, यह तो वक्त रहते पता चलेगा। फिलहाल यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल जरूर बनी है। भूपेन्द्र राजावत के साथ रफत जाफरी, सागर एक्सप्रेस न्यूज पृथ्वीपुर।